जय भोले बाबा, ये भी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम लोग उस पुल से आए हैं और ये देखिए नदी, गेट से अंदर एंटर करते ही नंदी महाराज जी मस्त एकदम बड़े से। जय नंदी बाबा। दिस इज स्वाति, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ कनाकेरा। कनाकेरा में महादेव जी का मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ महादेव जी के दर्शन के लिए। तो चलिए मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी महादेव जी का दर्शन करवाती हूँ। और ये अब हम पहुँच गए राजिम पुल पे, नदी अच्छी भर गई है, पानी अभी हल्का हल्का गिर ही रहा है एकदम झिरझिर सा। और ये अब हम पहुंच गए चौक पे, इधर से राइट साइड बस स्टैंड है राजिम का और ये महासमुंद वाला रोड, इधर तरफ मुड़ गए हैं। कनाकेरा इधर ही तरफ से जाते हैं, महासमुंद से पहले पड़ता है कनाकेरा। और ये अभी हम कोमा पहुंचे हैं, थोड़ा दूर पानी बंद हो जाता है, थोड़े दूर में फिर झिरझिर चालू हो जा रहा है। अब मस्त एकदम ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है ठंडा ठंडा। इस मौसम में खेत एकदम सुंदर लगते हैं, हरे भरे, पूरा खेत एकदम हरा हरा दिख रहा। और ये अब हम किरवाई पहुंच गए हैं। जय माता रानी, बगल में मंदिर था। और ये अब हम पहुंच गए बोरसी। अरे यहाँ बीच का कैसे हट गया, सब टायर लगा के रखे थे। इधर पे खेत एकदम मखमल जैसे लग रहे हैं। एकदम पानी भरा है, और ये अब हम सिंहेश्वर पहुंच गए हैं। ये इधर लेफ्ट साइड हॉस्पिटल है सिंहेश्वर का। और ये अभी हम लोग इस बार अंदर तरफ से जा रहे हैं। और ये अब हम आ गए सूखा नदी पे। अभी इस समय सूखा नदी में भी पानी है, मस्त बह रहा है। और ये अब हम भेंडरी पहुंच गए हैं, और यहाँ पहुंचते ही पानी तेज हो गया है। एकदम गलगल गलगल पानी निकल रहा। और ये नदी क्रॉस करके, मतलब नदी ये पुल क्रॉस करेंगे वैसे ही अपन लेफ्ट साइड मुड़ेंगे और वहीं पे है महादेव जी का मंदिर। और ये अब हम मुड़ गए लेफ्ट साइड। हम लोग उस पुल से आए हैं और ये देखिए नदी, पानी उतना नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। और ये नदी है, और ये नदी के किनारे पे ये देखिए इधर पे भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो गाइस अब पहुंच चुके हैं महादेव जी का मंदिर, और अब चलिए अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। गेट से अंदर एंटर करते ही नंदी महाराज जी मस्त एकदम बड़े से। जय नंदी बाबा, जय भोले बाबा। जल चढ़ाने के लिए भी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर पे मंदिर है, और ये देखिए इधर पे तालाब बना हुआ। जगह ना एकदम मस्त है, फैल के बना हुआ है पूरा। अरे मैं सोच रही इधर मंदिर है करके इधर आ रही थी।
सूर्यास्त के पश्चात शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। इधर पे क्या है, इधर पे मंदिर है, इधर पे माता जी का मंदिर है। जय माता रानी, बस्तर हिंद माता। बहुत सुंदर है ये जगह, लेकिन मैं एक बार और आई हूँ यहाँ मंदिर। और इधर हैंडपंप, और इधर नाग देवता भी हैं। जय नाग देवता जी। ऐसे लग रहा है जैसे देख रहे हैं सही में। इधर रहते होंगे, दिल बना हुआ है। इधर पे क्या है, जय बजरंगबली जी। लाइट के कारण साफ नहीं दिख रहा। और ये इधर पे शनि देव जी का मंदिर है। जय शनि देव महाराज। यहाँ पानी नहीं डालना है। पेड़ अंदर ही है, पेड़ के लिए इधर जगह बना दिए। और ये मंदिर के बगल में भी ये देखिए एक और मंदिर है, और बहुत सुंदर मंदिर है ये। ये मंदिर जो है देवी जी का है। चलिए अब अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे माता जी का। जय माता रानी। जय माता रानी। कितनी सुंदर लग रही है माता रानी। जय माँ। और इधर पे ना मंदिर के पूरा पीछे चारों तरफ से माता जी के नौ रूप को दिखाया गया है। जय माता रानी। अब यहाँ पे मैं महादेव जी का दर्शन कर चुकी हूँ, और आज खाली है एकदम, और दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं। और अब बस यहाँ से निकल रही हूँ, और अब मैं घर जा रही हूँ। तो अब इस वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं।